वेलकम टू दया फैमिली व्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक नदी के किनारे पिकनिक बनाने। आज हमने बांध लिया है अपने साथ लंच भी। ये पूरा बैग हमने लंच का बांधा है और ये है मितांश का बैग जो हमने पीछे लिया है। माही ने ले लिया है मैट। तो आगे हम मिलते हैं आपको। अभी हम निकल रहे हैं घर से। हमने सारा बैग पैक अपना ले लिया है। आते हैं शाम तक। पहले हम मिलेंगे आपको वहीं पर ही जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ पे पापा डिक्की में सारा सामान रख रहे हैं और ये हमारे अपार्टमेंट का लुक। पहुंच गए हैं पार्क में और ये मम्मी जा रही है। ये देखिए हम खाना खाएंगे यहाँ पे पार्क में बैठ के, फिर थोड़ा सा वॉक करने जाएंगे। देखिए लोग साइकिल चला रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये लगा रखा है और ये आगे है कैंपिंग की स्पेस। और यहाँ पे इस सब का लिख रखा है ये मैप और ये कुछ फिश के बारे में बता रखा है, ट्रीज और ये पूरा बता रखा है। देखिए अभी मम्मी और पापा यहाँ पे मैट बिछा रहे हैं
हमने दो मैट लगा दिए हैं। खाना खाएंगे अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सो रहा है सीट में और स्ट्रोलर में, और अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लंच स्टार्ट कर दिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लंच। देखिए तो देखिए हमने अभी खाना खा लिया है और यहाँ पे मितांश भी उठ गया है। हेलो हेलो। और यहाँ पे मम्मी जो कि सारा सामान अभी समेट रही थी। अभी हम सामान गाड़ी में रख के आएंगे जो हमें अभी नहीं चाहिए, मैट वगैरह, और जो हमने बर्तन खाना खा लिया है वो सब जो खाली हो चुके हैं हम गाड़ी में रख के आएंगे, उसके बाद हम निकलते हैं वॉक पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आर्मी जो कि एक तरह से रूम होता है जिसमें किचन और एक बेडरूम होता है, एक टाइप से एक घर ही होता है, और इस तरफ ये आर्मीज हैं। और देखिए एक यहाँ भी एक आर्मी है। इंडिया में आजकल आर्मी का यूज़ जहाँ शूटिंग एरिया होता है बॉम्बे वगैरह में, तो जहाँ अपने ही एक्टर्स वगैरह या एक्ट्रेस होती हैं वो यूज़ करते हैं उनको, और यहाँ पर लोगों के पास नॉर्मली होती है, अपना रखते हैं, कहीं बाहर जाना है 2-3 दिन छुट्टी है, अपना पूरा एक घर ही होता है, उसके अंदर ही टॉयलेट बाथरूम और रूम और किचन सब कुछ होता है, लोग एक तरफ लगा के रोड पर, और अपना पूरा किचन सेटअप करके बाहर बनाना चाहे तो खाना बाहर बनाते रहते हैं, अंदर बनाना चाहे तो अंदर, तो अपना एंजॉय करने लोग आते हैं अपनी आरवी लेके। अब हम जा रहे हैं रिवर की तरफ, नीचे नीचे की तरफ रिवर है। रिवर के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये है टॉल्ट रिवर, कि यहाँ किस तरह की फिशेज वगैरह हैं, ये कहाँ से निकलती है और किधर से बहकर आती है। इसके बाद इसके ऊपर रिवर के से थोड़ा पीछे एक फॉल है बहुत बड़ा, वो हम आपको दिखाएंगे जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, तब वो रास्ते में आएगा हमारे, तब हम दिखाएंगे। इसी रिवर का एक बहुत बड़ा फॉल आता है, वाटरफॉल। अब हम जा रहे हैं नीचे रिवर की तरफ। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए इस फॉल के लिए। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से रिवर जाती है, यहाँ से उतर रहे हैं। म्यूज़िक के साउंड से लग रहा है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक भी चल रहा है। देखिए म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, लोग पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे इस तरफ। ये देखिए हम आ गए रिवर के पास। इस रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, एक इस साइड है और एक ब्रिज इस साइड भी है। ये तो है कार के लिए, ये जो ब्रिज मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम आ गए हैं टॉल्ट रिवर, देखिए कितना साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर। ये माहीज के बीच में चली गई है।
यहाँ पर तो बहुत गहरी नहीं है रिवर, लेकिन आगे जाकर और ये यहाँ पे थोड़ी गहरी हो जाती है। तभी निकल रहे लोग यहाँ पर, थोड़ा टब लेकर आए, फिशिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर दो रिवर्स आपस में मिलती हैं, एक तो फ्रंट साइड से है वो अलग रिवर आ रही है, और जहाँ माही खड़ी है यहाँ से पीछे से ये टॉल रिवर है। ये देखिए मितांश पापा की तरफ, पानी बहुत ठंडा है, पर यहाँ पे पानी किसी भी रिवर में आप चले जाइए इतना ठंडा होता है जैसे आप फ्रीजर में से बॉटल आपने निकाली हो, और आइस मेल्ट से जो पानी बनता है बिल्कुल वैसा ही पानी होता है। ये चेयर है, हम लोग फोल्डिंग चेयर ये रखते हैं हमेशा अपने साथ हमारी कार में, कि जहाँ भी हमें जगह मिलती है, जहाँ भी हमें अच्छा व्यू दिखता है, हम अपना चेयर डाल के वहाँ बैठ जाते हैं। डांस को बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए पानी के लिए छटपटा रहा है कि मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे पानी में जाना है। माही अपना पूरा एंजॉय करते हुए पानी में। कई बार इसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है रिवर का, जिसकी वजह से देखिए हम पेड़ भी यहाँ पीछे से टूट टूट के आते रहते हैं। इसमें कुछ बड़े बड़े ट्रीज आपको दिख रहे होंगे पानी में जो हैं गिरे हुए जो हैं। बहुत यहाँ सिएटल में बारिश होती रहती है जिसकी वजह से यहाँ नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ जाती है। ये देखिए कितनी हरी हरी नदी है यहाँ पर, लोग पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ। इधर ही स्ट्रॉलर हमारा ही खड़ा है नितांश का, देखिए अभी हम आ गए हैं ब्रिज के ऊपर, हम थे वहाँ और अब आ गए हैं हम ब्रिज पे, और ब्रिज के नीचे है पानी। ऐसा लग रहा है जैसे आप पानी में गिर जाओगे, और यहाँ पे एक टेलीस्कोप सर लगा हुआ है जहाँ से ब्रिज दिखता है बहुत पास में, और ये बहुत लंबा सा ब्रिज है। इस साइड भी पानी और अब नीचे भी पानी। फ्रेंड्स अभी जाने का टाइम है, अभी हमने यहाँ पे 4 घंटे बिताए, हमें बहुत मज़ा आया, हम सोचते हैं कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। जब हम रास्ते से आ रहे थे हमें दिखा कि यहाँ पे एक लेवेंडर का बाग है, तो हम सोचे हम आपको भी दिखाएं। ये देखिए ये लेवेंडर है, एक मैं आपको ये एक और दिखाती हूँ, इसमें छोटे छोटे सीड्स रहते हैं और इनकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, इनसे सोप परफ्यूम और बहुत सारी और चीज़ें भी बनती हैं। तरफ जिसके लिए हमने आपको पहले बताया था कि हम एक वाटरफॉल भी आपको दिखाएंगे, अभी हम बीच में रास्ते में रुक के वो वाटरफॉल की तरफ हम जा रहे हैं। कितना बड़ा ये वाटरफॉल है, ये यहाँ पर इस वाटरफॉल का नाम है स्नो कॉलमी वाटरफॉल, और ये बना है स्नो कॉलमी रिवर से ही। समर में जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो यहाँ रिवर्स का पानी भर जाता है, और उसकी वजह से ये फॉल भी बहुत बड़ा हो जाता है। विंटर में ये फॉल इतना ज़्यादा इसमें पानी नहीं रहता है, अभी समर में ही सबसे ज़्यादा इसमें पानी है। और यहाँ पर इसी से वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है।
अभी हम आपको इसकी साउंड भी सुनाएंगे जो कि बहुत तेज आती है। ये देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल है।